हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसमें हम लोग बात करेंगे। दिस इज़ अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अ चैप्टर्स जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद अपनी कुंडली को, अपने आसपास अपने नियर वंस की कुंडली को जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली वो किस बारे में है। क्योंकि सबसे मुश्किल होता है कि आपको यही नहीं समझ आता कि उसको देखना शुरू कहाँ से करें। तो ये जो हमारा सीक्वेंस रहेगा ये सिर्फ आपको यही बताएगा कि आप कैसे अपने चार्ट को एनालाइज करेंगे, कैसे आप उसे समझेंगे, कैसे आप जानेंगे कि वो जो चार्ट जो आप जब किसी के पास जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपकी ये चीज़ ऐसी है, आपकी लाइफ ऐसे जा रही है, वो कैसे डिसाइड कर पाते हैं। तो बहुत सिंपल से टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप उनको डिकोड कर सकते हैं। बट उसके लिए जानना ज़रूरी है कि कौन सा घर किस तरीके से काम करता है और वो आपको क्या बताना चाहता है। तो इन दिस सिक्वेंस आज जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपके उस घर के बारे में जो कि पहला घर है। और क्योंकि वो पहला घर है तो डेफिनेटली ही दैट प्लेस इज नंबर वन ईयर चार्ट। वो सब कुछ बताएगी आपको। सब कुछ मतलब वो पहला घर है, पहला घर आपको पता है, पहला घर मतलब ये वाला घर। इस वाले घर में आपको पता चलेगा कि वो आपको क्या बताता है। सबसे पहले जब वो पहला घर है और वो ना सब चीज़ों को देख पाता है, सबसे टॉप पे है, सबसे सेंटर में है, तो वो चार्ट रूल, वो पूरे चार्ट को रूल करेगा। वो घर बताएगा आपको हर चीज़ के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी सोल के बारे में, आपकी एटीट्यूड के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपकी सोच क्या है। क्योंकि वो आपके दिमाग को रूल करता है, आपकी सेहत को रूल करता है, आपकी आत्मा को रूल करता है। तो जो घर आपकी आत्मा को रूल करेगा, आपके माइंड को रूल करेगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा सब घरों में। तो नंबर वन जो आपका भाव है, जो पहला घर है, वो रूल करेगा हर चीज़ को। तो आपके बारे में सबसे ज़्यादा, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ये जानो कि आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मतलब आपकी लाइफ कैसी जाएगी। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? आपके पहले घर पर। क्योंकि आपकी लाइफ में आप जो भी कुछ करते हो हर चीज़ के एक्शन पे एक रिएक्शन आता है, अपार्ट फ्रॉम दी कर्मा जो आप अपने साथ लेकर आते हैं पिछले जन्मों से। उसके अलावा इवन वो कर्म भी, क्योंकि आप जानते होंगे कि आप अपनी सोल लेकर आते हैं, तो जब आप अपनी सोल लेकर आए हैं वो भी इसी घर से दिखने वाली है। तो जो आप अपनी सोल लेकर आए हैं वो भी इसी घर से पता चलेगी। आपके जो पुण्य कर्म या आपके जो पाप कर्म है वो भी इसी घर से पता चलेंगे। आप जो करने वाले हो, जो आपकी सोच है, जिस तरीके से आप रिएक्ट करोगे, माइंड है, जिस तरीके से आप सोचते हो, वो भी रूल करेगा फर्स्ट हाउस से। तो अब आप कैसे पता करोगे? हाउ यू विल कम टू नो कि कैसी होगी आपकी लाइफ, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो पहला घर है, जो इतनी सारी चीज़ों का कारक है, जो इतनी सारी चीज़ें आपको डिफाइन करता है, कैसे पता चलेगा कि वो कैसे बिहेव करने वाला है? तो उसके लिए आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है कि मैंने ये देखना है और इसी से मुझे चीज़ें पता चलेंगी। तो अब कैसे पता चलेंगी? क्वेश्चन इज हाउ। हाउ का आंसर है कि आपने जानना है कि उस घर पर किस किस का प्रभाव है, कौन कौन सा प्लैनेट अफेक्ट कर रहा है उसको या इफेक्ट कर रहा है उसको। तो वो आप कैसे पता करोगे? नाउ आपको अच्छे से डिफाइंड है, आपके माइंड में इमेज है ऑलरेडी कि कौन से प्लैनेट्स बेनिफिशियल प्लैनेट्स हैं, बेनिफिक हैं, शुभ प्रभाव देते हैं, और कुछ प्लैनेट जो आपके माइंड में ऑलरेडी आप लोग सब अवेयर है उन प्लैनेट से कि कौन से प्लैनेट अच्छे नहीं हैं, मैलिफिक हैं या पाप ग्रह हैं, या जिनका इफेक्ट अच्छा नहीं होता। जैसे कि हम सबको ही पता है कि हर किसी के माइंड में चलता है शनि, राहु, केतु। दीज आर द फेवरेट प्लैनेट्स जो आपके माइंड में रहते हैं कि दीज आर द मैलिफिक्स। इस कैटेगरी में और जुड़ जाता है मंगल यानी कि मार्स, क्योंकि आप उसके बारे में भी जानते हैं, बहुत सुना होगा आपने मांगलिक दोष के बारे में, तो वो भी एक है।
उसके अलावा एक है आपके पास, अच्छे ग्रहों में कौन से ग्रह आते हैं? अब आपने सुना होगा गुरु, गुरु तो हमेशा अच्छे होते हैं, तो चाहे वो देव गुरु हैं या शुक्राचार्य हैं, शुक्र हैं, राइट? तो वो दोनों आपके गुरु हैं तो डेफिनेटली वो बेनिफिक होंगे। उसके बाद चंद्रमा बहुत सौम्य है, उसको माँ का प्रतीक माना गया है, अच्छा ही होगा। मरकरी है, बच्चा है, ऑब्वियस है, बहुत अच्छा होगा। सूर्य है, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्रूर है, क्रूर है बिकॉज ही इज फादर, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हीट, लेकिन उसके बिना जिंदगी नहीं चलती। ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड, ही इज एरोगेंट, बट ही टीच यू हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, कैसे चलना है। तो वो क्रूर ग्रह है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन हाँ गुस्से से सिखाता है हमेशा, इसीलिए तो आप उसको दोनों तरफ ले सकते हैं। तो आप जब भी एनालाइज करोगे तो दैट इज नॉट मैलिफिक, दैट इज नॉट बेनिफिक, बट दैट इज बेनिफिक ऑल्सो एंड मैलिफिक ऑल्सो। तो वो दोनों तरीके से काम करेगा और उसमें फादर वाली क्वालिटीज़ हैं, वो कभी आपको डांटेंगे भी और कभी आपको समझाएंगे भी और सही रास्ते पर भी लेकर आएंगे। सो दीज आर द थिंग्स। आपको क्लियर हो गया कौन सा मैलिफिक है और कौन सा बेनिफिक है। अब आपने देखना है कि लाइफ में कैसा रहने वाला है आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटीज, आपका माइंड, आपकी सोल, सब आपने डिसाइड करनी है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि बेनिफिक देख रहे हैं उसे या मैलिफिक देख रहे हैं? अब ये कौन बताएगा कि कौन देख रहा है? तो बेनिफिक देखने का मतलब है या मैलिफिक देखने का मतलब है, आपने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि या तो बेनिफिक या मैलिफिक जो भी प्लैनेट आप स्टडी कर रहे हो वो उस भाव में बैठा हो, उस घर में बैठा हो, या फिर उस घर को अपनी दृष्टि से देख रहा हो। दृष्टियाँ मैं अज्यूम कर चल रही हूँ, मैं मानती हूँ कि आपको पता होंगी, जैसे कि मार्स चौथी, आठवीं और सातवीं दृष्टि है, वीनस की सातवीं दृष्टि है, शनि की आपको पता होंगी, ठीक है? तो दीज आर द दृष्टि जो हमारा बेसिक चार्ट है। इसके लिए आप हमारी वीडियोस पर फोकस कर सकते हैं जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन सा घर किस किस चीज़ का कारक है और दृष्टियाँ कैसे काम करती हैं। तो ये आपको इन चीज़ों से पता चलता है। नाउ अब कैसे पता चलेगा, अगर कोई भी, अगर आपके पास एक चार्ट आता है, कोई भी चार्ट का फर्स्ट हाउस आपने स्टडी करना है, क्या चीज़ें देखेंगे आप? सबसे पहले कि उसके लग्न में कौन बैठा है, उसके पहले भाव में कौन बैठा है, पहले भाव को हम लग्नेश भी कहते हैं, उसके लग्न में कौन बैठा है। और उसके बाद आप देखना शुरू करेंगे कि सारे पाप ग्रहों का प्रभाव है उस पर या सारे बेनिफिक प्लैनेट्स का, शुभ ग्रहों का प्रभाव है वहाँ पर। जब आप इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा अगर सारे पाप ग्रह देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होंगे, उनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टैकल्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी परेशानियाँ हमेशा बढ़ती रहेंगी। आप पाएंगे कि वो पर्सन कभी भी स्टेबल नहीं रहता, वो हमेशा परेशानियों से जूझता रहता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि उसकी लाइफ में बेनिफिक बैठा हुआ है, उस चार्ट में सारे बेनिफिक उसे देख रहे हैं, तो उसमें कोई स्ट्रगल नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व रहती हैं। आपको ऐसा लगता होगा उसे देखे कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हाँ बिल्कुल नहीं है। उनकी लाइफ में संघर्ष भी आते होंगे लेकिन वो कभी इतने बड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनकी माइंड, उनकी बॉडी, उनकी सोल बहुत पॉजिटिव है, तो वो इफ़ेक्ट कभी दिखाई ही नहीं देगा। नाउ अगर बात करते हैं कि कई बार होगा कि मिक्स प्लैनेट्स होंगे, कुछ बेनिफिक देख रहे होंगे, कुछ मैलिफिक देख रहे होंगे, तो आपको मिक्स पर्सनालिटी मिलेगी। उसका कुछ टाइम पे आपको लगेगा कि ही इज़, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पर वो बहुत अच्छे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट कुछ जगहों पर उन्हें परेशानियाँ हैं। तो इस तरह के चार्ट्स भी आपको दिखाई देंगे, ये आपको स्टडी करना है उस फर्स्ट भाव को देखकर। अब इसके लिए, मतलब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी से आपने कंक्लूड करना है कि उस इंसान की लाइफ कैसी है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल में हमने इस तरफ पे चार्ट लिया है, 4 मार्च 1999, 4 मार्च 1999, 8 बजे शाम को। ये एक असेंडेंट्स का चार्ट है हमारे पास। इस नेटिव की खास बात क्या है, आप देखिए लग्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चंद्रमा है द बेनिफिक वन।
अगर मैं बात करूं सामने सातवीं दृष्टि, आपको पता है हर प्लैनेट की दृष्टि में सातवीं दृष्टि होती ही है। सातवीं दृष्टि से कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, कौन से ग्रहों का प्रभाव है? मरकरी, जुपिटर, वीनस, बुध, गुरु और शुक्र आपके तीनों ही बेनिफिक प्लैनेट हैं। मतलब कि लग्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है आपको, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर है, मरकरी, जुपिटर, वीनस उसे सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में। लेकिन साथ में इंश्योर करने के लिए ये भी देखना है कि कोई पाप ग्रह तो नहीं देख रहा, क्योंकि अगर पाप ग्रह देख रहा है तो वो भी अपना इफेक्ट देगा, वो भी अपनी तरह की प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स को वो सिग्निफाई करता है वो देगा। अब उसमें वो देखना था तो राहु लगन को नहीं देख रहा है, शनि भी लगन को नहीं देख रहा है, मार्स भी लगन को नहीं देख रहा है, केतु भी लगन को नहीं देख रहा है और सूर्य भी नहीं देख रहा है। इसका मतलब दिस पर्सन इज ब्लेस्ड, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत कम होंगे। बहुत कम मतलब बहुत कम, आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, या प्रॉब्लम्स इस तरह की आ रही हैं जिन्हें ये इतनी चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं कि उन्हें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम भी है। अभी बताएंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर हमने श्री राम जी की कुंडली रखी है। आप सभी जानते हैं कि वो पूजनीय है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम उन्हें पूजते हैं तो डेफिनेटली उनका चार्ट तो अच्छा ही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, पहले दिन से आखिरी दिन तक, जब तक वो उन्होंने हमारा मृत्युलोक छोड़ा नहीं था तब तक उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स फेस किए। हर तरीके से उनकी वाइफ के साथ, मतलब उनकी जो गृहस्थी थी वो प्रॉब्लमेटिक रही, उसके बाद इतने सारे युद्ध उन्हें फेस करने पड़े, उनके खुद के घर में उनके मदर्स जो जिससे वो इतना प्यार करते थे वहाँ भी प्रॉब्लम्स रही उनकी लाइफ में। तो क्यों हुआ ये प्रॉब्लम्स? उन्हें बहुत सारे काम करने थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे नक्षत्र में, ऐसे टाइम में इन ग्रहों के साथ जन्म लिया था, क्योंकि वो संघर्ष चाहते थे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम संघर्ष नहीं भी चाहेंगे तो हम ये चीज़ अपने साथ लेकर आते हैं। कैसे पता चलेगा? जब आप लगन देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि वहाँ पर तो दोनों बेनिफिक प्लैनेट हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्स इफेक्ट है। मिक्स इफेक्ट किस चीज़ का? डेफिनेटली आपको दिख ही रहा है कि लगन में आपके पास दो बेनिफिक प्लैनेट हैं, इसी वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो सोल है बहुत ही आध्यात्मिक है। जुपिटर वहाँ पर है, बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही सौम्य है, क्योंकि मून वहाँ पर है। लेकिन संघर्ष क्यों? उनकी आत्मा को, उनके शरीर को इतना दुख क्यों? उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सामने मार्स है, फर्स्ट रेटेड, नंबर वन रेटेड आपका मैलेफिक प्लैनेट है, झगड़े कराता है, मेंटली प्रॉब्लम देता है आपको, बहुत सारी तकलीफें देता है। मार्स सातवीं दृष्टि से देख रहा है उन्हें, शनि अपनी दसवीं दृष्टि से देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि प्रॉब्लम्स देता है, आप सब जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इन दो प्लैनेट्स की अगर दृष्टि लगन पे है तो कैसे नहीं होगी प्रॉब्लम? बिल्कुल होगी। उनकी लाइफ में जो इतना लंबा डिले उन्होंने फेस किया, संघर्ष किया, इतना कुछ सहा, वो सब इन चीज़ों की वजह से मिक्स कॉम्पोनेंट्स हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, उनकी सोल बहुत प्योर भी है, बेनिफिक वहाँ पर है, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, संघर्ष भी हैं, क्योंकि मैलेफिक की दृष्टि वहाँ पर है। तो ये आपको देखनी है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता था किसी के चार्ट में कि आप देखते कि यहाँ पर बेनिफिक भी नहीं है और मैलेफिक भी देख रहे हैं, फिर क्या होता? उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती, बहुत अनस्टेबल होती, वो पर्सन भी बहुत अनस्टेबल होता। कुछ लोगों को देखकर आपको ये फील होता है कि अच्छा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये वो लोग हैं। अगर उनके साथ ऐसा है कि उनके में बेनिफिक भी नहीं है, क्योंकि उनकी सोल भी अच्छी नहीं है, वो आपसे बात इस तरीके से करते हैं और साथ में मैलेफिक देख रहे हैं, उनके साथ हो भी बुरा रहा है,
तो वो होता है वर्स्ट केस सिनेरियोस, बट इस तरह के चार्ट से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आपकी भी एनर्जी ड्रेन करते हैं, इसीलिए हमने इस तरीके का कोई चार्ट यहाँ पर नहीं रखा है। तो अब आपको लगता है कि हर इंसान हमेशा ऐसा तो नहीं रहता, ऐसा क्यों? ये सिचुएशंस हो सकती हैं, हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहती हैं, हमेशा डिफरेंट रहती हैं, बट हमेशा एक जैसी सिचुएशन क्यों नहीं रहती? वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि इंसान के साथ आपने ये भी देखना है कि जब मैलिफिक और बेनिफिक उसको देख रहे हैं, या सिर्फ मैलिफिक या सिर्फ बेनिफिक उसे देख रहे हैं, तो बहुत सारे प्लैनेट्स का प्रभाव है उसके लगन पे। तो बहुत सारे प्लैनेट्स का जब प्रभाव है तो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा वाला प्लैनेट इस वक्त अपना काम दिखाएगा। तो ये आपको पता चलेगा, आप आज के बारे में जानोगे कि किसकी महादशा है, किसकी अंतर्दशा है, किसकी प्राण दशा है। जिस भी प्लैनेट की महादशा, अंतर्दशा, प्राण दशा आएगी वो अपना इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाएगा और वही इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। तो इसीलिए ऐसा होता है बहुत बार कि कुछ लोगों को आप देखते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, शायद उनको मैलिफिक देख रहा है, बहुत अग्रेसिव हैं। अब उसमें आपका जुपिटर भी देख रहा है उनको, और अब जुपिटर की महादशा शुरू हो गई है, तब क्या होगा? वहां पर दो प्लैनेट्स थे, जब तक मैलिफिक की महादशा थी तो वो मैलिफिक की तरह बिहेव कर रहे थे, और जब जुपिटर की महादशा आएगी तो वो जुपिटर की तरह यानी कि बेनिफिक की तरह बिहेव करने लगेंगे। और ऐसा 360 डिग्री टर्न आपने अक्सर अपनी लाइफ में देखा होगा, जब आप कहते हैं कि ये वो तो नहीं जिसे मैं जानता था। तो इस तरह की चीज़ें भी लाइफ में होती हैं, लेकिन वो कब होंगी, कैसे होंगी, वो देखेंगे आप महादशा से, अंतर्दशा से, प्राण दशा से। छोटे छोटे इफेक्ट्स, मूड स्विंग्स आप देख पाते हो प्राण दशा से, बहुत छोटी सी होती है। कुछ महीनों के चेंजेस आप देख पाते हो अंतर्दशा से, और जब आप बड़े चेंजेस की बात करते हो जिसमें 360 डिग्री टर्न आपको दिखाई देता है, क्योंकि अंतर्दशा और प्राण दशा के चेंजेस आप ना फील नहीं कर पाते हो, लेकिन जब महादशा में चेंजेस आते हैं तो आप उसे महसूस करते हो क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है। तो इस तरीके से आप जज करेंगे कि कौन सा प्लैनेट कैसे काम कर रहा है। तो आज आपने जाना है कि कैसे एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का क्रक्स आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट हाउस। आप रीड कर रहे थे उसका माइंड, उसकी बॉडी, उसकी सोल को, और यही डिपेंड करेगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी वो कैसे ड्राइव करने वाला है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आगे हम आपको अगले 11 घर के बारे में भी डिस्क्राइब करके ज़रूर बताएंगे कि वो किस तरीके से आपके चार्ट पर काम करते हैं। नमस्कार।